टेनिस के मेंस डबल्स इवेंट में रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी की भारतीय जोड़ी ने सिल्वर अपने नाम कर लिया है। भारतीय जोड़ी को फाइनल में चीनी ताइपे के खिलाफ 6-4, 6-4 से शिकस्त झेलनी पड़ी। भारतीय जोड़ी से गोल्ड की उम्मीद की जा रही थी, जिस पर रामकुमार रामनाथन और साकेत खरे नहीं उतर सके। मुकाबले के दोनों सेट में भारतीय जोड़ी ने एक समान हार का सामना किया। पहले सेट में भारतीय जोड़ी ने मुकाबला 6-4 से गंवाया। इसके बाद दूसरे सेट में भी चीनी ताइपे ने रामकुमार और साकेत की भारतीय जोड़ी को 6-4 से ही मात दी। इस तरह दोनों सेट गंवाने के बाद टेनिस इवेंट में भारत के हाथ गोल्ड नहीं लग सका और उन्हें सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा। भारत के लिए 10वां सिल्वर मेडल था, वहीं रामकुमार रामनाथन के लिए एशियन गेम्स में पहला और साकेत के लिए तीसरा था। बता दें कि एशियन गेम्स की शुरुआत से ही शूटिंग में भारत की ओर से शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय दल ने एशियाई खेलों का पहला गोल्ड भी शूटिंग में ही हासिल किया था। वहीं छठे दिन भी शूटिंग के जरिए भारत एक और गोल्ड जीत चुका है। ओवरऑल शूटिंग में अब तक भारत 15 मेडल्स अपने नाम कर चुका है। छठे दिन स्वप्निल कुमार तोमर और अखिल की तिकड़ी ने भारत को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष इवेंट में गोल्ड जितवाया। इस जीत के साथ पुरुष टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। इसके अलावा छठे दिन भारत के लिए पहला मेडल भी शूटिंग में ही आया। देश की महिला टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सिल्वर अपने नाम किया। महिला टीम में ईशा दिव्या और पलक की तिकड़ी शामिल रही।